आप सभी के लैपटॉप में अगर विंडोज 7 है तो विंडोज 7 के थ्रू आप ब्लूटूथ डिवाइसेज को अपने कंप्यूटर में कैसे कनेक्ट करेंगे, इस चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशांत कुमार और आप देख रहे हैं सीखो कंप्यूटर एंड टेक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ समझते हैं। पर आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ का ड्राइवर अवेलेबल नहीं है तो उसको आप इंस्टॉल कर लो प्रॉपर जाके। तो वो इंस्टॉल कहाँ से करना है उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आपको जाकर के ऑनलाइन उस चीज़ को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और अगर आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ डिवाइस ब्लूटूथ का जो ड्राइवर है ऑलरेडी इंस्टॉल है लेकिन प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस जब आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करते हो तो अगर नहीं होता है तो उस टाइम ट्रबल शूट होता है, चाहे कुछ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप क्या करो कि उस टाइम अपने लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट रखो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अगर किसी तरह का ट्रबल होती है तो ऑनलाइन सर्फिंग करने के बाद वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को ठीक कर देता है और वो जो भी प्रॉब्लम है उन्हें दूर कर देता है और प्रॉपर वे में वो काम करने लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि ब्लूटूथ का जो ड्राइवर है वो प्रॉपर रूप से आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड होना चाहिए, उसमें रहना चाहिए प्रॉपर वे में। जो आपका लैपटॉप में कोई भी विंडो है या फिर कोई भी कंपनी का आपका लैपटॉप है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। उसका ड्राइवर होना अवेलेबल ज़रूरी है, तभी आपका ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट हो जा पाएगा आपके लैपटॉप से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चल करके हम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे हमें अपने कंप्यूटर या मतलब कि अपने लैपटॉप से कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें का और मैंने जो बताया कि अगर आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ डिवाइस ब्लूटूथ का ड्राइवर जो प्रॉपर वे में अवेलेबल नहीं है या अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो जो लिंक मैं दूंगा वहाँ से जा करके उसको आप पहले ठीक कर लो, उसके बाद ये सारी चीज़ें करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और सारी चीज़ें समझते हैं कि आप अपने लैपटॉप में विंडोज 7 खास करके प्रॉपर वे में, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो जिनके लैपटॉप्स में विंडोज 7 है वो ब्लूटूथ का यूज कैसे कर सके, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और सारी चीज़ें समझते हैं कि आप अपने लैपटॉप से किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस को कैसे कनेक्ट करेंगे। अपने लैपटॉप को ऑन करने के बाद सबसे पहले आपको अपना ब्लूटूथ डिवाइस जो लैपटॉप में है उसको इनेबल करना है, ठीक है। उसको इनेबल करने के लिए करना क्या होता है कि लैपटॉप में एक FN की होता है, उसको FN की को प्रेस करके उसके बाद F1 से F12 के बीच में किसी न किसी एक पे ब्लूटूथ का सिंबल बना होगा उसको प्रेस करना है, ठीक है। तो FN के साथ उसको जब प्रेस करते हैं तो आपके लैपटॉप का जो ब्लूटूथ डिवाइस होता है वो इनेबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो आप जो डिवाइस आपको अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है उसको आप ब्लूटूथ ऑन करके रख देना है, ठीक है। उसके बाद देन आफ्टर यहाँ पे हम आएंगे नोटिफिकेशन बार के पास और ये जो ब्लूटूथ का सिंबल यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपके लैपटॉप में, ठीक है, उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर एक ऑप्शन आपको दिखेगा एड अ डिवाइस, एड अ डिवाइस पर हमको सिंपली क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी डिवाइस आपको कनेक्ट करनी है आपके लैपटॉप के साथ वो यहाँ पे सर्च होकर करके दिखाएगी, जितनी सारी डिवाइसेज रहेंगे एक दो जो भी रहेंगे, ठीक है। वो जब शो करेगी तो जैसे हमने इस डिवाइस को कनेक्ट करना है, ठीक है, तो इस पर हम क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट किया हमने, अब वो कनेक्टिंग टू डिवाइस देखिए वो खुद ऑटोमेटिकली वर्क करेगा और उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। कुछ सेकंड्स या एक मिनट का भी टाइम लग सकता है कनेक्ट होने में या उससे ज़्यादा 2 मिनट का भी टाइम लग सकता है और वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते रहेगा और यहाँ पे अपन खुद मैसेज आ जाएगा कि वो सक्सेसफुली, देखिए यहाँ पे दिया दिस डिवाइस हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड टू दिस कंप्यूटर, यानी कि जो डिवाइस आप कनेक्ट कर रहे थे वो प्रॉपर वे में आपके लैपटॉप के साथ प्रॉपर वे में कनेक्ट हो चुका है और यानी कि अब आप उसका यूज अपने मतलब उस ब्लूटूथ के थ्रू उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी आपका स्मार्टफोन है या कुछ भी वो इसी तरह से सिंपल वे में एकदम आसानी से आप कनेक्ट कर सकते हैं और उसका वर्क यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से विंडोज 7 में आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करके सारी चीज़ें शेयर करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।